सा हूँ कहीं प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम अपने डीसी 12 वोल्ट ये सोलर फैन है इसको हम किस तरह बिजली पे आसानी के साथ चला सकते हैं। दोस्तों ये एक इंतहाई आसान तरीका है। पहले हम इसको यूँ इस्तेमाल करते हैं कि ये बैटरी है और इसको हम पहले बिजली पे चार्ज करते हैं, चार्ज के बाद हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसका ये ख़र्चा भी ज़्यादा, बैटरी लाएंगे फिर ये चार्जर लोड शेडिंग में तो इस्तेमाल हो जाती है, अगर बिजली हो तो कैसे इसको यूज़ करना। दोस्तों ये कंप्यूटर आसान तरीका है, ये कंप्यूटर सप्लाई है जो बाजार से आसानी के साथ मिल जाती है। इसके साथ हम ये पंखा चलाएंगे। तरीक़ेकार कुछ इस तरह है कि ये कंप्यूटर की सप्लाई है, इसकी ये ग्रीन वाली तार और ब्लैक वाली तार दोनों को आपस में अटैच कर देना। ये देखें ये चल ही रहा, इसको हम ये बंद करें, ये ग्रीन और ये ब्लैक इन दोनों को आपस में अटैच कर देना। ठीक है दोस्तों, ये अटैच कर दें और ये पंखा चलना शुरू हो गया, यानी कि सप्लाई हमारी चलना शुरू हो गई। अब इस तरह करेंगे कि ये 12 वोल्ट की तार है और ये नेगेटिव, ठीक है दोस्तों। अब ये पॉजिटिव तार इसके साथ अटैच कर देनी है और उसके बाद ये नेगेटिव इसके साथ, ठीक है दोस्तों। ये पंखा हमारा चलना शुरू हो गया। दोस्तों ये बिल्कुल आसान तरीका है, ये सारा दिन भी चलता रहे तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सस्ता कम बिजली इस्तेमाल करेगा और ये पंखा ज़्यादा देर तक हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।